माई यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट रिवीजन। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ बेलमेंट एंड लॉ ऑफ प्लेज। ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आता है और जो सेक्शंस में ये आता है सेक्शन नंबर 148 से लेकर 181 तक आता है। 148 लॉ ऑफ बेलमेंट है सेक्शन। ओके, और इसमें हम लोग और एक सेक्शन यूज़ करते हैं सेक्शन 10, जो खासकर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन टाइप है। 127 से लेकर 124 से लेकर 147 तक जो है वो लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड लॉ ऑफ गारंटी है, जो हमने पहली वीडियो में देखा है। और इसमें क्या है, बेलमेंट देख रहे हैं और ये पूरी वीडियो सीरीज हिंदी में रहेंगे। बेलमेंट बेलमेंट एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से डिफाइन किया गया है। बेलर, बेलर उसका असल मायने है इंग्लिश में डिलीवर। ओके, डिलीवर, अब किसी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। अब एक एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर आप किसी दर्जी के पास जाकर एक सूट पीस दिए, या समझो आपका फ़ोन ख़राब हो गया और आप टेक्नीशियन को दिए हैं इसे रिपेयर करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट आप उससे दे रहे हैं, साथ ही साथ उसे ज़िम्मेदारी भी दे रहे हैं उसे ठीक करने की। लेकिन जो फ़ोन फिर वापस पलट कर आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक होना या ठीक हो भी सकता, तो एनी कोसा भी कंडीशन है, कुछ चीज़ पलट बदल भी जा सकता, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे हक दे रहे पूरा अपनी चीज़ से इस्तेमाल करने के लिए। ओके, तो ये होता है बेलमेंट। तो इंग्लिश में अगर ऐसे कहा गया था, इट मींस चेंज ऑफ पोजीशन वॉलेंट्री फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिर्फ वॉलेंट्री होता है, ये परमानेंट पोजीशन नहीं दे रहे आप उसे। तो ये पूरे जो मैकेनिक्स है, गाड़ी के मैकेनिक है, टीवी रिपेयर वाले है, दर्जी है या लॉन्ड्री करने वाले हैं, ये लोग पूरे क्या है, बेलमेंट में आते हैं। ओके, जो इंसान अपना प्रोडक्ट दे रहा है वो होता है बेलर, और जो इंसान वो ले रहा है उसे कहते हैं बेली। ओके, फाइन। अब इसमें क्या है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल चीज़ क्या है बोले तो, एक तो फर्स्ट पहला कंडीशन क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या है, जो डिलीवर कर रहे हैं आप गुड्स, जो आप अपनी अपनी प्रोडक्ट दे रहे उसे कंडीशन रहना है, आप ऐसे नहीं दे देना है। फ़ोन अगर आपका ठीक भी रहा तो भी आप दे रहे तो कोई बात नहीं हुई। तो ये एक है। दूसरा चीज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले तो, एक दो चीज़ों के बीच में जो समझौता होता है, या तो वो ओरली होता है या फिर रिटर्न होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा कंडीशन क्या है, रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, या तो वो रिटर्न कर सकता है या ख़राब हो तो वो फेंक दे सकता है, उसकी मर्ज़ी। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पहले डिलीवर ऑफ गुड्स। डिलीवर ऑफ गुड्स में क्या है, अपन यहाँ हम लोग देखेंगे सेक्शन 149, ये स्टार्ट हो रहा है 148 से, जो है बेलमेंट, और 149 से क्या है, डिलीवर ऑफ गुड्स का सेक्शन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना ज़रूरी है, जब तक आप अपना फ़ोन नहीं देंगे तो वो कैसे रिपेयर करेगा। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना ज़रूरी है। ओके, तो इससे पूरे ऑथोराइज अब दे रहे आप, तो ये हो गया पहला कंडीशन। और अगर इसका अगर अपन केस लॉ देखें तो केस लॉ है जगदीश चंद्रा त्रिखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। ओके, ये केस में क्या है बोले तो, एक्चुअली पार्टीशन से पहले किसी शख्स ने पेशावर बैंक में एक ज्वेलरीज रखे थे अपने, तो वो था अराउंड 480 तोलास। लेकिन जब पार्टीशन के बाद क्या हुआ, वो एक बैंक से दूसरे बैंक, तीसरे बैंक से दूसरे बैंक से जाकर आया, तो वो कंडीशन में नहीं था। तो जब ये केस दाखिल हुआ है जगदीश चंद्रा त्रिखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जिस केस में सुनाया गया कि 372,400 रुपये है, कि केस के साथ साथ उसे 12% इंटरेस्ट रेट भी होना है पर आना। अब दूसरा हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो तो कंडीशन है दो लोगों के बीच में। बेलमेंट तभी पूरा होता है तब एक कॉन्ट्रैक्ट है, वरना अब राह चलता है इंसान किसी को भी नहीं दे सकते। एक आप एक टेक्नीशियन को दिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में कि वो रिपेयर करेगा, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो वापस दे देगा जो कंडीशन में, वो कंडीशन में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसका केस लॉ देखे तो राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ओके, इसमें बोलने का मतलब क्या है कि एक इंसान दूसरे वो ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ अपना सामान दिया था, लेकिन क्या होता, बी के पास से वो चीज़ चोरी हो जाती, लेकिन फिर पुलिस उसे रिकवर कर लेती है, फिर पुलिस के पास से वो चोरी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, सिर्फ ए एंड बी के बीच में, लेकिन सामान किसके पास था, पुलिस के पास, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पुलिस के और ए इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सामान को रिकवर करके उसे ओनर पे दे दे जाए।
तो बोलने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, ओके। अगर लॉ अगर बीच में आ गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है। और तीसरा जो कंडीशन है, रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, इसमें बेलेमेंट में क्या है बोले तो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि रिटर्न करना है सामान, अगर आपका सामान ठीक हुआ या नहीं भी ठीक हुआ। टेक्नीशियन की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट उसके ओनर को वापस दे दे, वो ओनर की ज़िम्मेदारी है बाद में उसके साथ क्या करे, ओके। तो इसमें केस लॉ देखे थे हम लोग, यूनाइटेड ब्रीवियस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, इसमें क्या है बोले तो जो बियर बॉटल्स है वो उसके लिए चार्जेस रखे, जैसा कि पहले ज़माने में क्या होता था, बॉटल के लिए डिपॉजिट लेते थे, ग्लास बॉटल्स के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। तो आप कोल्ड ड्रिंक के भी पैसे देना पड़ता आपको, और ग्लास बॉटल अगर आप घर पे लेके जा रहे हैं या कहीं और भी लेके जा रहे हैं दुकान से हटकर, तो आपको उसका भी डिपॉजिट देना पड़ता था, ओके। हाँ, लेकिन जब वो रिटर्न करे तो आपको सिर्फ ग्लास बॉटल के पैसे वापस देता है, कोल्ड ड्रिंक के नहीं। तो रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड, तो ये तीन चीज़ें हैं ये। तो क्या टेम्प्ररी है ये, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पोजीशन जो दे रहे हैं हम लोग, चेंज ऑफ पोजीशन वॉलेंट्री फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये जो पढ़े हैं हम लोग, इसमें पढ़े हैं बेलमेंट, बेलमेंट, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।